फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले शक्करकंदी का हलवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 शक्करकंदी। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इन्हें कट करके कुकर में डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी और हम इन्हें 3 विजल्स लगा देंगे। अगर आपकी गाजर पतली हो तो 2 विजल्स में वो बॉइल हो जाएंगी। हल्का गरम दूध, जिसमें मैं डाल रही हूँ केसर। और इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और अब हम इसमें डालेंगे अपनी कद्दूकस की हुई शक्करकंदी। और अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। आप इसे जितना अच्छे से भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसे अच्छे से भूनें। अब इसे भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हमने जो दूध साइड में रखा था उसमें केसर अच्छे से घुल गया है और इसका कलर भी केसरी हो गया है। अब हम इसे हलवे में डाल देंगे। पहले हमने 1/2 कप डाला था और अभी हम बाकी का 1/2 कप डालेंगे। अब मैंने अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्करकंदी दूध को अब्सॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे एक छोटा सा तड़का पैन ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी और फिर बादाम और काजू। इन्हें हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन्हें रोस्ट करके डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। आप इसमें कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं।
रोस्टेड काजू बादाम को चॉप करके इसमें डाल देंगे। शुगर फ्री हलवा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिए शुगर फ्री क्रीम। इसकी मैंने 2 चम्मच लिए है। अगर आप चीनी वाला बना रहे हैं तो आप 4 चम्मच चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। भी अच्छे से बन चुका है और हमारा हलवा रेडी है। फॉर मोर रेसिपीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।